हेलो फ्रेंड्स, सिमरन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटरिंग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वेज नरगिस कोफ्ता। इसे बनाना बहुत आसान होता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कीजिए और पास ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो, मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो और ऐसे ही प्यारी प्यारी सी रेसिपी आपको मिलती रहे। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फटाफट। तो नरगिस कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम कोफ्ता बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो। तो चलिए देख लेते हैं इसे। कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ वेजेस चाहिए, पनीर और चीज़ चाहिए कोफ्ते में डालने के लिए, और कुछ सूखे मसाले चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले हमने जो वेजेस ली है वो देख लेते हैं। फूलगोभी ले लिया मैंने यहाँ पे आधा कप। जितनी हम फूलगोभी लेंगे उतनी ही पत्ता गोभी, हरी मटर और गाजर ले लेंगे। तो देखिए, उस हिसाब से मैंने फूलगोभी, पत्ता गोभी, हरी मटर और गाजर ले ली है। इसे मैंने चॉप कर लिया है। आप अगर चाहें तो इसे हल्का सा मोटा भी रख सकते हैं क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है और उसके बाद हम इसे मैश कर लेंगे। तो ये हमने अपनी वेजेस देख ली है। 50 ग्राम पनीर ले लिया है मैंने, जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और 50 ग्राम चीज़ जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो देखिए, हमने अपने कोफ्ते की ये जो सारी सामग्री है वो देख ली है। अब हमें सूखे मसाले जो चाहिए कोफ्ते के लिए वो देख लेंगे। कस्तूरी मेथी ले ली है 1 टीस्पून, चाट मसाला, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर ले लिया है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और नमक हम अपने स्वादानुसार लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली है। यहाँ पर मेरी जो लाल मिर्च है वो थोड़ी सी तीखी है, आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोफ्ते में हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और हम जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च होंगी, तो उस हिसाब से आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने सूखे मसाले देख लिए हैं। कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून और तेल इसे फ्राई करने के लिए। तो ये हमने अपने कोफ्ते की सामग्री देख ली। अब ग्रेवी की सामग्री देख लेते हैं। उससे पहले हमने जो वेजेस लिए हैं, फूलगोभी, पत्ता गोभी, हरी मटर और गाजर, इसे बॉईल कर लेते हैं। तो चलिए इसे बॉईल कर लेंगे और हमारी सामग्री देख लेते हैं। कोफ्ता बनाने के लिए हमने वेजेस अपने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब ग्रेवी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेंगे। यहाँ पर 1/2 कप मैंने काजू ले लिए हैं। जितना हम काजू लेंगे उतनी ही खशखश और उतने ही सफ़ेद तिल लेंगे, तो उस हिसाब से मैंने 1/2 कप काजू, खशखश और सफ़ेद तिल ले लिया है। इसकी हमें ग्रेवी बना लेनी होगी, तो इसे हम बॉईल करके और मिक्सी में चला लेंगे। बाकी की सामग्री देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा प्याज और 1 टमाटर, जिसे मैंने मिक्सी में चला लिया है और इसकी बारीक सी पेस्ट बना ली है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ले ली है 1/2 टीस्पून। बटर ले लिया है। इसे ऊपर से डालने के लिए हम बटर ले गए हैं। आप अगर चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। नमक हम अपने स्वादानुसार लेंगे। सूखे मसालों में हमें ग्रेवी के लिए जो चाहिए वो देख लेंगे। कस्तूरी मेथी ले ली है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। तो देखिए, यहाँ पर तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी ली है और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट में हरी मिर्च भी है, तो उस हिसाब से आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अपनी ग्रेवी की सारी सामग्री देख ली है। सबसे पहले ग्रेवी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो काजू, खशखश और सफ़ेद तिल ले लिए है उसे एक बर्तन में बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, 5 से 10 मिनट इसे बॉईल कर ले। जब ये बॉईल हो जाएगा तब हम इसे स्ट्रेनर से पानी निकाल लेंगे और फिर इसे मिक्सी में चला लेंगे और इसकी बारीक सी पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसकी पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, हमने काजू, खशखश और सफ़ेद तिल की पेस्ट बना ली है। तो ये देखिए, हमारे जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और इसे मैंने स्ट्रेनर से इसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसे मैश कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हमें इसे हल्का सा मोटाई रखना है। तो यहाँ पर इसे मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। हमने जो पनीर कद्दूकस करके रख दिया था वो डाल देंगे इसमें। साथ ही साथ इसमें चीज़ डाल देंगे। और अब हमने जो सूखे मसाले लिए थे, कस्तूरी मेथी, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये इसमें डाल देंगे। नमक और तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। कॉर्नफ्लोर डाल देंगे इसमें। अब हम इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पनीर और चीज़ इसमें डाल रखा है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे अपने हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये कोफ्ता बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अपने हाथों पे थोड़ा सा ये मिश्रण हमने जो बना के रखा था वो ले लेंगे
आप इसे अपने हिसाब से, आप छोटे बड़े जैसे कोफ्ते खाना पसंद करेंगे उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा मिश्रण ले लिया है अपने हाथ पे, इसे दबाते हुए इसे बॉल का शेप दे देंगे ऐसे। बस इसी तरह से हम अपने बाकी के जो सारे कोफ्ते हैं उसे भी बना लेंगे। हमें इसे गोल शेप के कोफ्ते बनाने हैं, आप अगर चाहें तो इसे आप शेप भी दे सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने अपने सारे जो कोफ्ते हैं वो बना लिए हैं। इसे हमें बहुत अच्छे से बनाना है ताकि ये तेल में जाके छूटे ना। तो ये अब बनकर बिल्कुल तैयार है। ये जब तक के बन रहे थे तब तक के मैंने पहले ही तेल गर्म के लिए रख दिया था, तो तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कोफ्ता डाल देंगे। एक एक करके हम इसमें कोफ्ता डालेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे बीच में ताकि ये एक दूसरे से चिटके ना। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो कोफ्ते हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार है, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे सबसे पहले किचन नैपकिन पे निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो अब्सॉर्ब करे। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। आप अगर चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, इसमें हो चुका है हमारा। अब इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे, चला देंगे इसे। और इसे चलाते हुए हमें हल्का सा गोल्डन होने तक के, या थोड़ा सा अदरक लहसुन जब तक के पक जाता है तब तक के हम इसे भून लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें प्याज और टमाटर की हमने जो पेस्ट बना के रखी थी वो डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इसे, गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे बहुत अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक के भून लेंगे इसे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि हमारे जो प्याज और टमाटर का पेस्ट है वो अच्छे से पक नहीं जाता और टमाटर के पेस्ट में से जब तक तेल नहीं निकलने लगता। तो इसे भून लेंगे। मसाला अच्छे से पक चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया था मसालों में से हल्का सा तेल निकलने लगा है, तो ये मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हमने जो काजू खसखस और तिल की पेस्ट बना के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। सारी की सारी पेस्ट डाल देंगे इसमें, चला देंगे इसे भी। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक के भून लेना है, या तब तक के भून लेना है तो जब तक कि इसका कच्चापन निकल नहीं जाता और ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। काजू खसखस और तिल का जो पेस्ट हमने डाला था अच्छे से भून चुका है, ये काफ़ी ठीक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने जो सूखे मसाले हैं वो। तो सूखे मसालों में हमने लिया था कस्तूरी मेथी, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले हमें इसमें डाल देने हैं, चला देंगे इसे। इसे चलाते हुए हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इस मसालों के साथ इसे 3 से 4 मिनट तक के भून लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं उसका कच्चापन निकल जाए। हमारे जो मसाले हैं 2 से 3 मिनट अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे हमने जो वेजेस बॉईल किए थे वो पानी जो हमने स्ट्रेनर से निकाल लिया था वो पानी डालेंगे यहाँ पे। और फिर एक्स्ट्रा जो हमें पानी चाहिए वो हम दूसरा डाल सकते हैं, चला देंगे इसे। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें आप जितना पानी आपको ग्रेवी के लिए चाहिए उतना डाल के यहाँ पे मिक्स कर दीजिए। आपको ग्रेवी जैसी चाहिए, गाढ़ी पतली, उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वादानुसार नमक डालेंगे इसमें, चला देंगे इसे। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से पकने देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो इसमें पक जाए और फिर उसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। तो हमारी ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। यहाँ पे आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं या तो आप बटर भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया है, चला देंगे इसे और अब हम इसे सर्व कर देंगे। तो हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है, हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। अब इस कोफ्ते पे हमें ग्रेवी को डाल देना है और इसे सर्व कर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छे से सर्व कर दिया है। इस पर मैंने थोड़ा सा चीज़ और हरा धनिया डाल के इसे गार्निश कर दिया है। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस सी, क्रीमी सी, माउथ वाटरिंग रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं।
तो इसे ट्राई कीजिए। आप इसे रोटी, फुलका, चपाती, नान या मक्के की रोटी के साथ में इसे खा सकते हैं। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।